हेलो दोस्तों, साइंस फैक्ट्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गोस्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, गोस्ट यानी भूत। भूतों के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये जानेंगे साइंस क्या कहती है भूतों के बारे में। आप सभी ने बहुत सारे लोगों के मुँह से ये बात जरूर सुनी होंगी कि हमने भूतों को देखा है या भूत होते हैं। इंडिया में मोस्टली 90% से ज़्यादा लोग इन बातों पे विश्वास करते हैं। क्या दोस्तों भूत सच में होते हैं या नहीं? अगर होते हैं तो ये कैसे दिखते हैं, अगर किसी ने देखा है तो देखने के बाद वो कैसा फील करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस का जो है भूतों के बारे में अपना एक अलग ही मिथ है। तो चलिए दोस्तों, साइंस क्या कहता है और साइंस का क्या मिथ है भूतों के बारे में, इस बात को हम जानते हैं। इंफ्रासाउंड। आमतौर पर दोस्तों ये बात बोली जाती है, कुत्ते और बिल्लियों को भूतों का एहसास जल्दी होता है। हम मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड वेव्स को हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रेंज से नीचे की आवाज़ सुनना इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इस तरीके की खामोश आवाज़ों को इंफ्रासाउंड बोला जाता है। इस तरीके की इंफ्रासाउंड्स को कुत्ते, बिल्ली या और भी जानवर जो हैं इस तरीके की आवाज़ों को बहुत ही आराम से सुन लेते हैं। कुछ साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम लोग इंफ्रारेड साउंड्स को सुन तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी वेव्स को हम लोग अपने पेट में महसूस कर सकते हैं और ये वेव्स जो हैं हम इंसानों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स को जगाती है। इसी में दोस्तों, सपोज करिए कि आप किसी अनजान जगह पर बैठे हैं, सुनसान जगह पर, और ऐसा नेगेटिव फीलिंग का आप सभी को महसूस हो, तो दोस्तों आप में से 90% से ज़्यादा लोग ये बोल देंगे कि यहाँ पे भूत है। लेकिन दोस्तों दरअसल में इन्हीं साउंड्स को इंफ्रारेड साउंड्स बोला जाता है और इसी में अगर उन सुनसान जगह पे बहुत सारे जानवर हो तो वो जानवर जो हैं ऐसी आवाज़ों को सुन के रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। वैसे तो दोस्तों इस गैस का पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इस गैस में ना तो कोई स्मेल होती है और ना ही इस गैस का कोई कलर होता है। ये एक बहुत ही खतरनाक गैस है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन मोनोक्साइड को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है और शरीर के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है। इसी कारण से बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है और हेलुसिनेशन जैसा आपको महसूस होने लगता है, जिसके कारण उस इंसान को तरह तरह की चीज़ें दिखने लगती है और वो इंसान इन चीज़ों को भूत समझने लगता है और उसके कुछ ही महीनों बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। मास हिस्टेरिया। जब एक से ज़्यादा लोग एक ही टाइम पे बहुत ही ज़्यादा तनाव में होते हैं तब ये एक सामूहिक भ्रम कहलाता है। एग्जाम्पल पे तौर पे मैं आप सभी को एक सच्ची घटना बताता हूँ। गाजीपुर बांग्लादेश सन 2013 की बात है। यहाँ पर एक गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे 3000 से ज़्यादा वर्करों ने हड़ताल कर दी थी, क्योंकि यहाँ के वर्करों ने लेडीज टॉयलेट में एक भूत को देखा था और उस भूत ने एक बार तो हद ही मचा दी। उसने वहाँ से एक वर्कर को मार के उसे घायल कर दिया था। इस घटना के बाद फैक्ट्री के लोगों में हड़कंप मच गया और सारे के सारे लोग डर गए, जिस वजह से उन्होंने इस हड़ताल को अंजाम दिया। कैमरा इश्यूज। कभी कभी फोटोज को कैप्चर करते टाइम आप सभी ने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि आपकी फोटोज में लाइट बॉल्स जो हैं कैप्चर हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना रहता है कि ये भूत है। इन लाइट बॉल्स को हम सभी अपने नॉर्मल विजन से नहीं देख पाते, लेकिन दोस्तों ये सभी अगर आप सभी अपने कैमरे से किसी फोटोज़ को क्लिक करें रात के टाइम या दिन के टाइम, तो इस तरीके के लाइट बॉल्स जो है आप सभी कैप्चर करके फोटोज़ में ज़रूर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है जो इस वजह से ऐसा होता है, अब इस बारे में हम जानते हैं। जब भी आप अपने कैमरे से किसी फ़ोटो को क्लिक करते हैं तो अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए या आप मोशन में आ जाए तो इस तरीके का कुछ इफ़ेक्ट जो है आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों बस इतना ही नहीं, अगर आप सभी रात के टाइम किसी फ़ोटो को कैप्चर करें तो धूल मिट्टियों के कारण भी इस तरीके का इफ़ेक्ट जो है आप सभी को फ़ोटो में देखने को मिलता है। और ऐसा कभी कभी डस्ट के कारण और आपके मोबाइल फ़ोन की जैसे फ्लैश जलती है और वो फ्लैश डस्ट पर पड़ती है, तो इस तरीके का इफ़ेक्ट जो है
आपको देखने को मिलता है अपने कैमरेज में, जिसे लोग जो हैं भूत समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आसान भाषा में इस बात को बताया जाए तो बस आप सभी इतना समझ लीजिए, इस तरीके का अनुभव आप सभी कभी भी फील करते हैं तो ये सभी आपके दिमाग की खुद की उपज होती है। दोस्तों अगर आप सभी ने कभी इस तरीके का अनुभव किया है या किसी भूत प्रेत को कभी देखा है तो उस बारे में नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। दोस्तों अब भूतों पे विश्वास किया जाए या ना किया जाए ये हर इंसान पे खुद के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सभी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप सभी को साइंस फैक्टर्स चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।